तो दोस्तों आज मेरे पास आ गया है जैबरोनिक्स का ये ज्यूक बार, और ये एक साउंड बार है जो कि टीवी के नीचे आपने लगा हुआ देखा होगा। हालांकि ये फोन से भी कनेक्ट हो जाता है, बहुत सारा मल्टीपर्पज है। तो आज करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे क्या क्या इसमें फीचर्स हैं और दिखने में कैसा है, कितने प्राइस का आया है। लिंक इस प्रोडक्ट का मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। मैं आपको पूरा इसका रियल एक्सपीरियंस दिखा दूंगा, मोबाइल से कैसे कनेक्ट होगा, साथ ही टीवी से कैसे चलेगा, इसकी साउंड क्वालिटी क्या है और क्या क्या चीजें ये कर सकता है। तो चलिए दोस्तों इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग, और आपको ये यहां से दिख ही गया होगा कि कुछ इस तरह का है, इसके ऊपर फीचर्स भी लिखे हुए हैं, सारी चीजें कुछ इस तरह की है, दिखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो चलिए दोस्तों इसको खोल लेते हैं। ये है स्पीकर और रॉड की तरह है, काफी बड़ा। अभी इसमें और भी कुछ लग रहा है मुझे कि कुछ और चीजें यहां पर हैं, तो इधर से देखते हैं। तो एक ये मिल जाता है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, और एक ये मिल जाता है यहां पर। एक इसको माउंट करने के लिए क्लिंप है जो कि हम माउंट कर सकते हैं, इसको कहीं भी दीवार पे लगा सकते हैं। और एक ये इसका चार्जिंग है, या पावर सप्लाई कह लीजिए, चार्जिंग कह लीजिए, पावर सप्लाई है। तो यहां पर मैं पास से दिखा देता हूं आपको, ये वाला बॉक्स है जैबरोनिक्स का, जैब ज्यूक बार 3500 साउंड बार, ब्लूटूथ भी है वर्जन 5.0, यूएसबी कनेक्टर भी है, ऑक्स केबल से भी कनेक्ट हो जाता है, वॉल माउंट भी हो जाएगा, और पावरफुल क्वाड ड्राइवर्स भी हैं। फैब्रिक फिनिश काफी अच्छी है, ये देख लीजिए, ये इसका जो फैब्रिक फिनिश है वो काफी ज्यादा अच्छा है। और साथ में ये बार मैंने आपको दिखाई दिया, तो आप इसको कई तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। कॉक्सियल इनपुट है, एचडीएमआई है, ब्लूटूथ है, यूएसबी है, ऑक्स केबल है, वॉल माउंट मैंने बताई दिया, और पावरफुल क्वाड ड्राइवर्स हैं। यहां पर मुझे ऑक्स केबल और रिमोट कंट्रोल मिल जाता है, और इसमें मैंने सेल लगा दिए हैं। यहां पर बॉल माउंट के लिए क्लिंप दे रखी है, साथ ही यहां पर पावर सप्लाई के लिए भी केबल है। स्पेसिफिकेशन की, तो यहां पर आपको काफी सारी स्पेसिफिकेशन डिटेल्स मिल जाती हैं, अगर आपको जरूरत है तो आप इन्हें क्लियरली पढ़ लीजिएगा। देता हूं जैबरोनिक्स फॉर लाइफ, ऋतिक रोशन के इस पे सिग्नेचर है। यहां पर ये साउंड बार कुछ इस तरह का दिखता है, तो यहां पर ये आपको जैबरोनिक्स का लोगो है, और इसका फैब्रिक आप यहां से देख रहे हैं काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। यहां पर पावर के लिए इनपुट के लिए है, ऑक्स केबल के लिए है, और एचडीएमआई पोर्ट के लिए है। वॉल्यूम अप डाउन का भी ऑप्शन दे रखा है, पावर का भी ऑप्शन है, साथ ही सेटिंग का भी ऑप्शन है, और यहां पर आप यूएसबी लगा सकते हैं यानी कि पेन ड्राइव। इसका रिमोट काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है, ये देखिए जैबरोनिक्स इस पे भी लिखा हुआ है, और यहां पर इसके रिमोट में ये सारी सेटिंग आपको मिल जाती है। पावर का भी बटन है, ये पेयर का बटन है, ब्लूटूथ से अगर आपको पेयर करना है तो इससे आप कर सकते हैं, तो ये मिल जाता है आगे से, इस तरह है डिजाइन, और ये पीछे से यहां पर सेल का ऑप्शन दिया गया है, ये मैंने सेल इसमें लगा दिया है। ये इसका पावर कनेक्टर है, इस तरह की केबल आपको मिलती है इस तरह की, और ये आपको मिल जाता है, डिटेल भी लिखी हुई है यहां पर, अच्छी लग रही है ये देखिए। अब यहां पर इसको मैं कनेक्ट करके दिखाता हूं कि किस तरह से कनेक्ट होगा और किस तरीके से चलेगा, क्या इसका साउंड क्वालिटी है। तो यहां पर हम इसको रख लेते हैं। दो चीजों की जरूरत है, रिमोट की जरूरत है, अगर रिमोट टूट गया है नहीं इसकी जरूरत
तो भी हम यहां पर जो साइड में दिया हुआ है जहां पर पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन, वहां पर वॉल्यूम अप डाउन का ऑप्शन है, साथ ही पावर का भी ऑप्शन है। तो इन दोनों का काम है और इसको लगा देते हैं। इसे जैसे ही पावर में करेंगे तो यहां पर हरी बत्ती जल जाएगी, और इसमें भी कुछ ऐसा ऑप्शन दिया गया होगा, देखते हैं। बाबू हट जा वहां से, तो यहां पर रेड कलर की लाइट जल रही है, यहां पर रेड कलर की लाइट जल रही है अभी फिलहाल। ऑन करते ही आपने साउंड सुना और ये नीली बत्ती यहां पर जल गई है। नीली बत्ती जली हुई है, अब इसे हम या तो टीवी में अटैच कर देंगे ऑक्स केबल की मदद से, या हम फोन में इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये ऑन है तो ऑलरेडी इसका ब्लूटूथ ऑन ही होगा, बस हमें सर्च कराना है। तो यहां पर मैंने फोन ले लिया है और इस फोन में हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाके हमें ब्लूटूथ डिवाइस देखनी है। मेरे ख्याल से यहां पर ऑटो डिटेक्ट हो जाना चाहिए, पेयर न्यू डिवाइस। तो यहां पर ये देखिए जैब ज्यूक बार 350 ऑटोमेटिक अपने आप ही आ गया है। अगर ये पहले से कहीं कनेक्ट नहीं होगा तो आपको दिखाई देगा। तो यहां पर इसको पेयर किया मैंने, इस तरह से पेयर करना है, और यहां पर अलाउ एक्सेस और पेयर पर क्लिक कर दिया, ये अब कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होते ही आपने देखा होगा कि ये पहले ब्लिंक कर रहा था, जल रहा था, बुझ रहा था, लेकिन ये अब कनेक्ट हो गया तो ये स्थिर हो गया, यानी ब्लिंक करना बंद कर दिया और आवाज भी आई थी। तो यहां पर ये मैं अपनी वीडियो ही चला रहा हूं ताकि कॉपीराइट ना आ जाए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? अभी आप फोन की आवाज नहीं, बार की आवाज सुन रहे हैं, इसी की, जैप्रोनिक्स की। पीछे कर लिया। क्या कर लिया? बच्चे पीछे कर ली। और ये मुझे डिलीवर हुआ सिर्फ 2 दिन में, गोरिल्ला ट्राइपॉड, बहुत ही ज्यादा स्पेशल फीचर्स है। और एक एक्स्ट्रा चीज इसके साउंड बहुत अच्छा है, मतलब 2-3 कमरों के लिए तो काफी ज्यादा हैवी साउंड है ये। इसको आप कस के बांध दीजिए तो बिल्कुल नहीं गिरेगा और ना ही हिलेगा। ये तो मैंने अभी 2-3 कमरों के लिए तो काफी हैवी साउंड है लग रहा है। मशीन खराब हो गई है और देखता हूँ मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, क्या रिपेयरिंग कर सकता हूँ। मैंने इतना खोल लिया, ये देखिए मैंने इतना खोल लिया है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये लाइट जल रही है अब, क्योंकि ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड है तो लाइट जली हुई है, और यही इसका ऑप्शन है पता करने का कि इसके अंदर पावर सप्लाई आ रही है। पावर सप्लाई मैंने ऐसे कर रखी है पीछे की तरफ से, ये देखिए यहाँ पर पावर सप्लाई में मैंने इसको डायरेक्टली इसको बोर्ड में लगा दिया है। बोर्ड में भी लाइट है हरे रंग की, इससे पता चल जाता है कि इसमें पावर सप्लाई हो रही है। साथ ही ऑक्स केबल दे रखी है, HDMI पोर्ट भी है, और मैंने आपको साइड में बताया था कि यहां पर USB यानी पेन ड्राइव आप लगा सकते हैं, और बिना रिमोट के यहां से ऑन ऑफ कर सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, साथ ही सेटिंग का भी बटन इस तरफ दे रखा है। दूसरी तरफ कुछ भी नहीं है, सादा सिंपल है, दूसरी तरफ बिल्कुल सादा सिंपल ही है। तो यहां पर ये जो ऑक्स केबल है इसको मैंने इसमें लगा दिया है, ये देखिए मैं दोबारा से लगा देता हूं, ये पावर वाला है और यहां पर ये ऑक्स केबल लग जाएगा। तो ये ऑक्स केबल यहां पर लग जाएगा, और ये जो दोनों चीजें हैं ये आपके टीवी में लग जाएंगी। टीवी में जो जिस कलर का है वहां पर उस कलर में आप लगा दीजिए, और काफी लंबी है फिर भी, क्योंकि अधिकतर ये टीवी के नीचे ही रखा जाता है तो उस हिसाब से काफी ज्यादा लॉन्ग है। तो यहां पर मैं इसको अब ऑक्स केबल को टीवी से कनेक्ट करता हूं और देखते हैं कि टीवी से कैसे कनेक्ट होता है और कैसे चलता है।
कहा ठीक है वेट कर लो मैं फोन करता हूँ। उसके बाद मैंने पीछे से ये बार यहाँ से खोल के देखा तो दो तार कटे हुए थे, मैंने फिर जोड़ दिया था। आज करीब से 2.5 साल हो चुके हैं और 2.5 साल बाद भी वही स्थिति है। इधर की मोटर एक तरफ घूम रही थी, एक तरफ नहीं घूम रही थी, और ये वाला जो